आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपना बोया माइक आप लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाके आपको वहां लिखना पड़ेगा माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन की प्राइवेसी सेटिंग में जाइए। यहाँ पे देखिए ऑफ नहीं होना चाहिए, ये ऑन होगा जब तभी आप अपने माइक्रोफोन को इंस्टॉल कर पाइएगा। अब सेकेंड स्टेप है, माइक्रोफोन पे लिखिए तो आपके पास आएगा माइक्रोफोन सेटअप। तो यहाँ पर जब आप जाइएगा तो आपके पास आएगा गेट स्टार्टेड माइक्रोफोन। तो गेट स्टार्टेड जब आप करिएगा तो आपके पास ये देखिए आ जाएगा माइक्रोफोन रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो हमारे में जो है उसको वो सेटअप करेगा। तो आप नेक्स्ट करिएगा तो ये आपको एक सेंटेंस देगा जिसको आपको बोलना है। पीटर टॉक टू इस कंप्यूटर, ही प्रेफर इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली प्रेफर इट टू पेन एंड पेपर। उसके बाद ये देखिए इज द माइक्रोफोन पोजिशन करेक्टली, द कंप्यूटर डिड नॉट हियर यू वेरी क्लियरली। तो नेक्स्ट फिर से जाएंगे और योर माइक्रोफोन इज नाउ सेटअप। अगर आपका दूर रहेगा माइक्रोफोन तभी वो समझेगा, अदरवाइज वो आपके माइक्रोफोन को नहीं सुन पाएगा और आपका माइक्रोफोन सेटअप नहीं होगा। क्योंकि हम पहले से सेटअप कर चुके हैं इसलिए इसने सेटअप कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है माइक्रोफोन। तो सेटअप माइक्रोफोन फिर यहाँ पे आया जब और गेट स्टार्टेड आप करिएगा तो यहाँ पर देखिए ये आ गया फिर से। तो इस ढंग से भी आप कर सकते हैं। पीटर टॉक टू इस कंप्यूटर, ही प्रेफर इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली प्रेफर इट टू पेन एंड पेपर, योर माइक्रोफोन इज नाउ सेटअप। अब आपका माइक्रोफोन सेटअप हो गया, पहली बार उसने नहीं समझा था। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखिएगा माइक्रोफोन। अगर मान लीजिए आपका माइक्रोफोन सेटअप नहीं होता है तो फाइंड एंड फिक्स अ ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर जब जाइएगा तो आपकी प्रॉब्लम को वो फिक्स करेगा। ट्रबल शूट एंड हेल्प प्रिवेंट कंप्यूटर प्रॉब्लम, यहाँ पर नेक्स्ट करिएगा तो ये डिटेक्ट करेगा कि कोई ऑडियो प्रॉब्लम तो नहीं है आपके कंप्यूटर में। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रिकॉग्नाइज करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक्सप्लोर एडिशनल ऑप्शन, क्लोज द ट्रबल शूटर, ट्रबल शूटिंग कुडंट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से चार मेथड है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह है मैनेज ऑडियो डिवाइस, आपका यहाँ पर डिवाइस में कौन कौन से ऐप यूज करेंगे ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम अपने माइक्रोफोन को सेटअप करके अपने लैपटॉप में लगा पाएंगे और हमारा माइक्रोफोन काम करेगा। यहाँ पर ये देखिए आप जब आप इसको देखते हैं तो इसका एनहेंसमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग हम लोग कर देते हैं। सब ऑन कर दीजिएगा आप तो आपकी जो भी बाहर की वॉइस है वो इसमें नहीं आएगी और आपका रिकॉर्डिंग कायदे से होगी। एडवांस में जाइएगा तो ये बिट सेट कर दीजिएगा और इसको टेस्ट करके देख लीजिए कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लेवल पे जाइए और यहाँ पर क्योंकि अभी स्पीकर नहीं लगा है तो वो नहीं दिखा रहा था, स्पीकर लगा देंगे तो क्या टेप हुआ वो बता देगा। यहाँ पर ओके कर दिया। अभी हमने रिकॉर्डिंग लेवल पे गए, यहाँ पे माइक्रोफोन में आप देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको स्टार्ट स्पीच डे सेटअप माइक्रोफोन, अब सेटअप माइक्रोफोन में गए जब तो ये देखिए तीन तरह का आएगा। तो हम लोग डेस्कटॉप माइक्रोफोन को सेटअप करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको
यहाँ पर आ जाएंगे, ये सेटअप हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, तो ये आपका काम करेगा। जैक इंफॉर्मेशन एनालॉग जैक है, तो आपको यहाँ पर जैक अगर प्रॉपर नहीं होगा, जैक मीन्स है कि आपका जो कनेक्टर है वो 3 पॉइंट का है कि 4 पॉइंट का है, तो अगर आप TRRS वाला कनेक्टर है तो उसमें TRS वाला कनेक्टर जब हम लगाएंगे तब वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो मेरा इसमें अभी काम नहीं कर रहा है, सेटअप तो हो गया है लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखिए आप जब हम माइक्रोफोन में जाते हैं और यहाँ पर देखिए सेटअप तो हो गया लेकिन कॉन्फ़िगर भी तो हो गया है लेकिन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टार्ट स्पीच रिकग्निशन अगर हम करते हैं तो ये कह देता है स्पीच रिकग्निशन कुड नॉट स्टार्ट बिकॉज द लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सपोर्टेड। तो लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करना पड़ेगा, और माइक्रोफोन जब हम सेट कर रहे हैं तो डेस्कटॉप माइक्रोफोन पे जाते हैं तो यहाँ पर जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। साउंड में जाते हैं तो यहाँ पर आप कोई साउंड लेते हैं उसको प्ले करते हैं तो ये सुनाई नहीं देगा क्योंकि स्पीकर नहीं लगा है। म्यूट ऑल साउंड करेंगे, डू नथिंग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। प्लेबैक में जाइएगा तो आपका स्पीकर भी प्रॉपर दिख नहीं रहा है रन करते हुए क्योंकि स्पीकर लगा ही नहीं है। प्रॉपर्टी में गए, यहाँ राइट और लेफ्ट दिया हुआ है, लेवल गए, एनहेंसमेंट में गए, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑन कर रखी हमने। यहाँ पे लाउडनेस इक्विलाइजेशन को आप जरूर सेलेक्ट करिएगा जिससे पीछे की नॉइज आपकी ना आए। तो इंस्टॉल होने के बाद भी एडवांस स्पीच ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखिए, डिफॉल्ट स्पीच प्रोफाइल लिया हुआ हमने, यहाँ पे कह रहा वो लैंग्वेज को नहीं पहचान रहा है, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच रिकग्निशन US एक दिया ही हुआ है यहाँ पे डिफॉल्ट लेवल। ये देखिए आप जब बोल रहे हैं तो ये यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेवल दिखा रहेगा कि कितना आप बोल रहे हैं। कॉन्फ़िगर माइक्रोफोन यहाँ से किया जब आपने, वो यहाँ से डेस्कटॉप माइक्रोफोन किया और नेक्स्ट किया। पीटर डिटेक्ट टू हिज कंप्यूटर ही प्रेफर इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली, तो आपका ये अदर सच एज एरे माइक्रोफोन बिल्ट इन डिवाइस नेक्स्ट करा। अगर ये है तो पीटर डिटेक्ट इट टू कंप्यूटर ही प्रेफर इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली, तो ये अदर वाले में आ रहा है, इसको ले लेंगे और सेट कर देंगे। इस तरह से साउंड की प्रॉब्लम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, इसमें भी डबल डबल वॉइस आ रही है, पता नहीं क्या सेटिंग हो गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको इसका सलूशन मालूम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रतन अग्रवाल, IT इन्फॉर्मर, थैंक यू।